वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नामकरण संस्कार आमतौर पर बच्चों के नाम रखने को लेकर याद किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शहरों का नाम बदलने के लिए मशहूर है। योगी सरकार सत्ता में आई तो सबसे पहले बदला मुगलसराय जंक्शन का नाम, इसे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि कई बार लोग इतने कंफ्यूज हुए कि मुगलसराय के इंतजार में ट्रेन में ही बैठे रहे और स्टेशन पीछे रह गया। फिर बारी आई इलाहाबाद और फैजाबाद की, जिनके नाम प्रयागराज व अयोध्या कर दिए गए। एक बार फिर यूपी के तीन शहरों के नाम बदलने की चर्चा तेज हो चली है। योगी सरकार ने संबंधित जिला प्रशासन से इस संबंध में जवाब भी मांगा है। क्या है ये पूरा मसला, जानते हैं इस वीडियो में। मुगलसराय, इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदले जाने के बाद कई शहरों को इसी कड़ी में शामिल करने की मांग काफी समय से उठ रही है। इस लिस्ट में शामिल मेरठ, हापुड़ और गाजियाबाद जिलों के नाम बदलने को लेकर सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल यूपी सरकार के राजस्व विभाग ने इन तीनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी है और नाम बदलने को लेकर तुरंत जवाब देने के लिए कहा है। मेरठ का नाम पंडित गोडसे नगर रखने को लेकर चर्चा हो रही है। जी हां, उन्हीं गोडसे के नाम पर जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कत्ल किया था। दरअसल अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इस मांग को सबसे पहले उठाया था। उन्होंने नाथूराम गोडसे को महान विचारक व पत्रकार बताते हुए कहा था कि हम देश को गोडसे जैसे देशभक्त के आदर्श पर चलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि गोडसे जैसी सोच से ही देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ाया जा सकता है। हिंदू महासभा ने ही हापुड़ का नाम महंत अवैधनाथ नगर व गाजियाबाद का नाम महंत दिग्विजय नगर रखने की मांग की थी। इस बीच सूत्रों का कहना है कि हापुड़ जिला प्रशासन ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के नाम पर जिले का नाम बदलने का अनुरोध ठुकरा दिया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर पूरी रिपोर्ट दी है। इस खबर के मुताबिक पिछले चार महीनों में तीनों जिलाधिकारियों को इस बाबत तीन बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है। इससे जिला प्रशासन की चिंता काफी बढ़ गई है। राजस्व विभाग का कहना है कि जिलाधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करने की जरूरत है। विभाग ने आखिरी बार 2 दिसंबर को पत्र जारी किया था। अधिकारियों का कहना है कि जन सुनवाई पोर्टल पर उन्हें ऐसी कई मांगे मिल चुकी हैं जिन्हें IGRS को भेज दिया जाता है। वहीं एक अधिकारी का कहना है कि अगर समय सीमा में इन मामलों का निपटारा नहीं किया गया तो ये लंबित मुद्दे बने रहेंगे। वहीं सीएम योगी की समीक्षा बैठकों में इस पर स्पष्टीकरण भी देना होगा। जब भी ऐसी कोई मांग या अनुरोध होता है तो सरकार जिला प्रशासन से राय मांगती है। सरकार ऐतिहासिक तथ्यों और अन्य विचारों के आधार पर ही निर्णय लेती है। मेरठ, गाजियाबाद व हापुड़ का नाम बदलेगा या नहीं, यह तो भविष्य ही बताएगा। आप कितना सही मानते हैं इस तरह शहर के नाम बदलने की प्रक्रिया को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।